एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्रीमती प्रेम जैन पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नू खर्चते हुए परमात्मा दे चरणा विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्री श्री पाल जैन, दिनेश जैन, शालिनी जैन, विनेश जैन, शिल्पा जैन, प्रदीप जैन, रेशमा जैन, शुभ जैन, प्रमोद जैन, सरोज जैन, नीलम जैन, सुधीर जैन, निर्मल जैन, उषा जैन, चांदनी, दिविस, कनव, मोहक अते उनादे समूह परिवार वल्लों महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जलंधर विखे करवाया गया। श्रीमती प्रेम जैन जी दा जन्म पिता श्री राजकुमार जैन जी दे घर माता श्रीमती गुणमाला जी दी कुखों जलंधर विखे 3 जनवरी 1947 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगट सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी दा व्याह श्री पाल जैन जी होना नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटियां दिनेश जैन अते विनेश जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बेटे अपनी माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उनां दे नाम नूं चार चन्न लगा रहे हन। श्रीमती प्रेम जैन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्रीमती प्रेम जैन जी दी फुलवाड़ी चांदनी, दिविस, कनव अते मोहक नाल महक रही है।
ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਛੂਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਵਰਤ ਹਸਤ ਹਮਾਰੇ ਸਰ ਸੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੋਰ ਸ਼ੋਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਰਮ ਆਦਰਣੀਯ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਨ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀਲਾਲ ਜੈਨ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਭਾਗੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪੂਰਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਹਮ ਸਭ ਸੇ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨ ਤੋਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ जिसके जीवन पे संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा और मैं तो इस शोक सभा को शोक सभा ना कहकर श्रद्धांजलि सभा का नाम दूंगा, क्योंकि बहुत करीब से मैंने आदरणीय गांधी जी के जीवन को देखा, जाना, समझा, क्योंकि पाए पाए परिवार में मेरा आना जाना रहता है। जलंधर के बहुत ही सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ परिवार संघवी परिवार आदरणीय श्री राजकुमार जी श्रीमती गुणमाला जैन जी के आत्मा आदरणीय श्रीमती प्रेम जी जैन जो कि चार बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी, लगभग 76 वर्ष की आयुष को संपूर्ण करके इस संसार से विदा ले गए। मात्र दो तीन दिन की शारीरिक अस्वस्थता के साथ उनकी इस संसार से विदा ली हुई। 3 जनवरी 1947 को एक बिटिया ने हमारे इस सभ्य परिवार के घर में आगमन किया और जैसा कि मैंने बताया कि परिवार के धार्मिक और सुसंस्कारों का रोपण माता पिता ने बहुत ही सुसज्जित ढंग से किया और जहाँ तक भाई प्रदीप जी की बात करूँ तो वो तो अपनी इस बड़ी बहन को कभी बहन नहीं कहते थे, माँ का दर्जा देते थे। कभी भी बात होती थी तो यही कहते थे ये मेरी माँ तो है। अपने परिवार में बड़े होने के नाते अपने मायके परिवार में माता पिता के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को संभालते हुए समझते हुए माता पिता का सहारा भी दिया, बाकी बहनों और भाई के लालन पालन में भी सहयोग किया। और अगर संसारिक दृष्टि से व्यवहारिक ज्ञान की बात करूं तो उस भले जमाने में उन्होंने HMB कॉलेज अंतराल महाविद्यालय से BA ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की। समय आगे बढ़ता गया, वर्ष 1969 25 नवंबर का दिन जबकि कुमारी प्रेम जी का पारिवारिक अंबाला के सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ परिवार लाला जगतू मल मुनीलाल खांड वाले भाबू परिवार उनके सुपुत्र श्री श्री पाल जी जो कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं उनके साथ साथ पानी में जो है संपन्न हुआ। जहां तक आदरणीय श्री श्रीपाल जी की बात करूं तो ये बहुत ही सभ्य और बड़ा चढ़ा परिवार है जिसमें कि 8 बहन भाई और 5 बहनों का जो है परिवार में लालन पोषण उनके माता पिता ने किया और हमारे
अपने जीवन साथी के साथ में जो परिवार के लिए अपना योगदान दिया उसके लिए तो एक लंबी शिक्षा बन सकती है, क्योंकि पीछे से परिवार से धार्मिक संस्कार मिले हुए थे तो निश्चित रूप से उसकी खुशबू ससुराल तक पहुँची और ऐसे ही आगे भी योग ऐसा बना कि आदरणीय श्रीपाल जी की तरफ से भी कभी मनाही नहीं हुई और अपने जीवन साथी के प्रति आदरणीय श्रीमती प्रेम जी का ऐसा समर्पण था, क्योंकि लगभग पिछले 7-8 साल से मेरा इनके साथ बाहर आना जाना बहुत रहा है, वहाँ सभा के कार्य के लिए अक्सर हम जाना होते थे। तो मैं कल भी परिवार के साथ बात कर रहा था कि शाम को समय निश्चित था, शाम को ठीक 7-7:15 के बीच में आंटी जी का फोन हमारे आदरणीय बाबू श्रीपाल जी को आ जाता था कि खाने का क्या प्रोग्राम है और आप कहाँ हो। मतलब इतने वो सजग थे अपनी गृहस्थ आश्रम के प्रति, अपने पति के प्रति, चाहे अपने बच्चों के प्रति, कि समय की एक मर्यादा को कभी नापते नहीं थे। और हमारे अंकल जी का भी एक ही जवाब होता था जो कि वो हंसते हुए चेहरे से देते थे कि मेरे खाने की इच्छा नहीं है, मैं पंकज के साथ हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा, केवल दूध का कप डाल के रख लेना। तो ऐसा गृहस्थ आश्रम को पढ़ाते हुए इस परिवार में 2 बालकों का आगमन हुआ, बड़े बेटे दिनेश के रूप में और उसके अनुज हमारे दिनेश जी के रूप में, और दोनों का लालन पालन माता जी ने बहुत ही अपने संस्कारों का रोपण उनमें भी इस ढंग से किया कि आज वो हमारी लगभग सभी धार्मिक संस्थाओं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों का खुशबू और अच्छे से पालन भी कर रहे हैं। समय आगे बढ़ता गया, दोनों बेटों की शादी का समय आया, भाई दिनेश जी की जो पानी ग्रहण है वो श्रीमती शालिनी जी हैं जो कि लुधियाना से मोहानी परिवार से हैं, उनसे निश्चित हुआ। और भाई विनेश जी के पानी ग्रहण के लिए शिल्पा भाभी जो कि आगरा से संबंधित हैं उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। और इस क्रम में समय आगे बढ़ता गया और 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समय आ गया। परिवार जांच में मेरी बातचीत चल रही थी तो पता लगा कि 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के लिए भी कभी उनके सामने अगर बच्चे आग्रह करते तो शायद स्पष्ट मना कर देते, क्योंकि हर काम के साथ धर्म की, परोपकार की, अनुकंपा की, जीव दया की, जो कि अपने माता पिता से संस्कार लेके श्रीमती प्रेम की चल रही थी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन मन हर टाइम परमात्मा के साथ जुड़ा रहता था। तो उन्होंने उस चीज को, आग्रह को इस रूप में रखा परिवार जनों ने कि उनकी 50वीं वर्षगांठ को भी एक यात्रा का रूप दिया। और यात्रा के बाद उनका जन्म आने पे उन्होंने अपने जो भी फैक्ट्री के वर्कर वगैरह थे या और भी जिन संस्थाओं से वे जुड़े थे उसमें अपना योगदान देके अपनी 50वीं वर्षगांठ वैवाहिक वर्षगांठ को सार्थक किया, ना कि जो आजकल परिचालन में है कि कहीं होटल्स बुक हो जाते हैं या कहीं डेस्टिनेशन इवेंट बुक हो जाती है, ऐसा उनकी जिंदगी में कहीं भी 1% की आग्रह नहीं था। और धर्म के प्रति जो समर्पण की भाव में बात कर रहा हूँ उसमें एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि काफी मंदिर मार्गी और दैनिक पूजा करने वाले यहाँ बैठे हैं, उनके व्यवहार में एक बात थी, चाहे किसी भी प्राचीन तीर्थ पे वो चले जाए वहां पे देवी प्रतिमाओं की गिनती करना भी मुश्किल है। हमारे जितने प्राचीन तीर्थ हैं वहां पे सभी प्रतिमाओं की गिनती करना मुश्किल है, लेकिन आंटी जी ने सभी प्रतिमाओं की न मांगी पूजा कर, ध्यान दीजिएगा, जब तक सभी प्रतिमाओं की न मांगी पूजा को पूरी तरह से कर भी लेती थी वो तीर्थ से बाहर नहीं आती।
उनको अपनी सुबह की नवदास की खाने की कोई चिंता नहीं होती थी। जब परमात्मा की पूजा करनी है सिर्फ वो और उनका परमात्मा और केसर की कटोरी, बीच में उनको कोई नहीं जमता था। ऐसा समर्पण भाव अपने परमात्मा के प्रति, जिन शासन के प्रति, और अगर गुरुओं की बात करूं तो प्राय करके हमारे चाहे मंदिर मार्गी समुदाय का हो, चाहे स्थानक मार्गी समुदाय का हो, सभी साधु साधवी जी का इनके परिवार में आना जाना और व्यावर्ष का लाभ, इनको मिलना, भोजनी का लाभ मिलना, ये इस परिवार की शुरू से एक बहुत अच्छी परंपरा रही है और आगे बच्चे भी उसका अनुकरण कर रहे हैं। अपने पूरे आयुष में परमात्मा की पूजा के साथ साथ विभिन्न परिवर्तित विष्णुओं का आराधना साधना करते हुए उन्होंने जैसे फ्राई करके हमारे पांचों की आराधना, अष्टमी की आराधना, बीस स्थानक तक की आराधना, 108 पार्श्वनाथ, एकाष्टमी की आराधना, ये सब अपनी जिंदगी में उन्होंने किया। और जब भी मिलना तो चेहरे पे मुस्कान और तपस्या चाहिए। और अपने पूरे जीवन की इस शैली में एक बात और थी कि पूरे दिन में वो मात्र 4 से 5 घंटे की नींद लेते थे, मात्र 4 से 5 घंटे की नींद, और दैनिक कार्य के लिए 2 घंटे से ज्यादा था। बाकी समय अपनी समाय में, ध्यान में, परमात्मा के प्रति समर्पण के लिए। तो निश्चित रूप से ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जो शराबिका वर्ड से सुशराबिका का अलंकार उनको दिया जा रहा है, या जिन शासन उपासना और एक धर्म परायणा हम कहने में ये शब्द किसी भी श्रावण शराबिका के आगे लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने इन शब्दों को सार्थक किया, अपने जीवन में अंगीकार किया और जिन शासन की मेहनती प्रभावना की। अपने इस जब 3 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई, उस दिन रात्रि में भी जैसे उनको आभास हो गया था समय कुछ करवट ले रहा है, ऐसा आभास हो गया था, क्योंकि मेरे को पता लगा, उनके पुत्र ने बताया था कि लगभग रात को 2:30 बजे वो अपने गृह मंदिर में बैठे आराधना साधना कर रहे थे। रात को 2:30 बजे, जबकि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज करते हुए परमात्मा के प्रति या अपनी दैनिक क्रिया को जारी रखते हुए रात को 2:30 बजे उठके अपनी पूरा जब तक ध्यान में वो नींद थे और एक नए सफर की वो जैसे तैयारी कर रहे थे। आज वो बातें हमें भले एक स्वभाववश या खाली हमारी मनुस्मृतियों में रह जाएगी, लेकिन उनकी जीवन शैली हमारे लिए निश्चित रूप से अनुकरणीय है, अनुमोदनीय है, और परिवारजन काफी हद तक उसके अनुसरण के लिए वचनबद्ध भी हैं, ऐसा परिवार की भावना भी होती है। परमात्मा की पूजा सेवा और धर्म के प्रति अपने समर्पण के साथ साथ एक विशेष अनुकंपा दान के प्रति सजग है। दान भी ऐसा कि दान देने के लिए जो वस्तु है उसकी सिलेक्शन क्वालिटी स्वयं चेक करते हैं, ये नहीं कि ऑर्डर दे दिया, खुद जाते हैं। खास करके वो उस आश्रम से बहुत जुड़ी हुई थी, उस आश्रम में उनका कोई ना कोई ऐसा दान के क्षेत्र में उनका स्वभाव था, तो वो वहां से जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर वहां पे मान लीजिए साड़ियां प्रदान करनी है, तो साड़ी कसरा था, साड़ी का काम खुद चेक करना। अभी कल ही एक दुकानदार का फोन आया कि माता जी ने 150 साड़ी उस आश्रम के लिए बुक कराई हुई है। परिवार जब उसे पता लगा कि माता जी नहीं रहे, तो वो दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा कि ऐसे भव्य आत्मा जो कि अक्सर उनके पास दान के लिए साड़ियां लेने जाया करती थी, आज संसार में नहीं रहे। इसके साथ साथ हमारे परमात्मा के बताए हुए एक और गुण
जीव दया का पालन, जीव दया पालन के प्रति इतने सजग कि गौशाला में स्वयं जाना, स्वयं गौ माता को चारा डालना अपने हाथों से, और वही हम दोनों बेटों में ट्राई करके मैं देखता हूँ, क्योंकि अक्सर ये गौशाला में इनसे मुलाकात हो जाती है। तो ये इन पारिवारिक मूल्यों का जो अनुसरण है ये बहुत आगे से मिलता है भाइयों, ये बहुत आगे से मिलता है। आपने अपनी जिंदगी में क्या किया वो बड़ी बात नहीं, आपने आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को क्या किया ये बहुत बड़ी बात है। अपने को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को संभालना वो भी हमारा दायित्व है, और ये दायित्व बहुत अच्छे से निभाया आदरणीय श्रीमती प्रेमजी जैन ने। और अगर धर्म यात्रा धर्म तीर्थ स्पर्शना की बात करूं तो भारतवर्ष के प्राय करके सभी तीर्थों की स्पर्शना अनिवार्य थी, क्योंकि जीवन साथी ऐसा मिला था जो कि उनके एक इशारे में परमात्मा की पूजा सेवा या यात्रा के लिए सदैव तैयार रहते थे। इसके साथ साथ उन्होंने दक्षिण भारत की जो कि हम लोग नहीं पहुंच पाते उसकी भी यात्रा दो बार जैन तीर्थों की स्पर्शना की। और एक विशेष स्वभाव का यहाँ बात करना चाहूंगा, वो है अतिथि सत्कार। मेरा अपना निजी अनुभव भी रहा इस परिवार में जाके मैं कभी बिना खान पान के उठ नहीं पाया। अगर मेरा पहचान हो तो शायद मैं बच जाता था, और मेरे को सुनने को मिलता था कि जब भी आता है एक अष्टांगल करके हमारे घर आता है। लेकिन कोई भी अतिथि इस घर से आंटी जी के होते बिना जलपान के उठ जाए तो ये शक्य नहीं है, क्योंकि पारिवारिक मूल्यों का जो अनुसरण उन्होंने किया बहुत ही सुंदर ढंग से। और अपने जीवन शैली में धार्मिक मूल्यों पारिवारिक मूल्यों का अनुसरण करते करते उन्होंने जो संस्कार अपने दोनों बेटों में दोनों बहुओं में दिए हैं ये तो आज के युग में शायद मैं कहूँगा अकल्पनीय है, अनमोलनीय है, अनुकरणीय है, क्योंकि पूरे का पूरा परिवार हर सामाजिक दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से हर आयोजन में पूरी तरह समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। मैं आत्मानंद जैन सभा जलंधर जिसके अध्यक्ष भाई प्रदीप जी हैं, ठीक है आज ये खड़ी इस परिवार के ऊपर आई है, तो आत्मानंद जैन सभा जलंधर की सकल कार्यकारिणी यहाँ लगभग प्राय करके सभी माननीय जन उपस्थित हैं उनकी ओर से, और उसकी सभी सहयोगी संस्थाएं जिसमें मुख्यतः हमारे आत्मनगर श्रामिका संघ अध्यक्ष श्रीमती सुदेश जी हैं जो कि परिवार से संबंधित हैं, उनकी ओर से श्री आत्मवर्धक श्रमोपासक गुरुकुल ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष भाई प्रदीप जी हैं, और हमारे गुरुकुल ट्रस्ट के काफी माननीय ट्रस्टीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत जिसके अध्यक्ष आदरणीय श्री नेम जी यहाँ उपस्थित हैं, और महासभा के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से श्री दुर्गंधन पार्श्वनाथ प्राचीन मंदिर बैरोवाल जिसके अध्यक्ष श्री अश्विनी जी धागे वाले यहाँ उपस्थित हैं, और सभी सदस्यों की ओर से श्री आत्मवल्लभ सतांति मंडल लुधियाना जलंधर जिसके प्राय सभी सदस्य, क्योंकि अंकल जी सतांति मंडल के सभी सदस्य हैं तो सभी सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें विनोद जी, जतेंद्र जी, रविंद्र जी, अमन जी लगभग मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, आजाद जी, ये सभी अंकल जी के साथी हैं। उन सभी की ओर से श्री आत्मवल्लभ सतांति मंडल जंडियाला गुरु जिसके अध्यक्ष आदरणीय श्री गुलशन जी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से श्री महावीर जैन
भवन निर्माण सोसाइटी जिसके अध्यक्ष श्री राहुल जी, महामंत्री श्री मुस्कान जी जैन, उनकी ओर से मैं इस भव्य आत्मा के चरणों में श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूँ और सकल परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करते हुए परमात्मा से ये आग्रह करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित रूप से ये भव्य आत्मा एक सद्गति की ओर अग्रसर है, लेकिन परमात्मा के चरणों में ये विनती है कि आप हमको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वामी के पावन चरणों में भावभरी वंदना नमस्कार करने के उपरांत इस सभा में उपस्थित सभी भव्य आत्माओं के अंतःकरण में विराजे विशुद्ध रतन त्रय को मेरा वंदन अभिनंदन। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम न सिर्फ जागृता जैन समाज अपितु उत्तर भारत के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित परिवार दादा मणिलाल खांड वाले भागु परिवार, जैसे उनकी पुत्रवधु श्रीमती प्रेमलता जी, धर्मपत्नी सुशावा श्री श्रीपाल जी के देहावसान पर भी अंतिम सभा शोक सभा में समझ होने के लिए गठित हुए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया बहुत आगे आ जाए ताकि पीछे आ रहे सभी को स्थान मिल सके। इस सभा को शोक सभा न कहकर अगर प्रेरणा सभा कहें तो आशा करता हूं आप सभी लोग मुझसे सहमत होंगे। निश्चित रूप से जो आया है उसने एक जाना है, पर इस आने और जाने के मध्य जो कालखंड है जिसे हम मनुष्य जीवन कहते हैं उसे किस तरह से जिया गया है, किस तरह से बिताया गया है वो महत्वपूर्ण है और शायद वही महत्वपूर्ण है। माता जी के जीवन के प्रति अगर बात करूं तो पूर्ण रूप से वीर महावीर द्वारा प्रारूपित जैन धर्म को समर्पित। बहुत बार समाज में हमें ऐसे व्यक्तित्व नजर आते हैं जो केवल धार्मिक प्रतीक होते हैं, लेकिन अगर आंटी की बात करूं तो उनका क्षण क्षण पल पल रोम रोम पूर्ण रूप से धर्म को समर्पित। परिवारों की बात करूं दादा राजकुमार जी प्रदीप कुमार जी के परिवार से और उसके पश्चात का ससुराल पक्ष परिवार दादा मणिलाल श्रीपाल जैन परिवार, उनसे पूर्व मेरे भाई पंकज जी ने काफी विस्तृत रूप से परिवार की जानकारी दी। अगर व्यक्ति की बात करूं तो मेरा जुड़ाव से लगभग 12-13 वर्षों से हम पांच मित्रों का, इसमें विनेश जी, इनके अनुज सुपुत्र विनेश जी, पुत्रवधु शिल्पा जी, संजय जी और डॉक्टर नितिन जी, सनी जी, तो इनके साथ जो जुड़ाव हुआ तो निश्चित रूप से मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूँ कि इस परिवार से जुड़ना हुआ और जीवन उपयोगी चाहे दादा शिल्पा जी हों या फिर माता जी के चरणों में भी जब जब बैठने का मौका मिला तो उनकी और उनकी सकारात्मक ऊर्जा ने वो खुद में संचार होते हुए महसूस किया। यही सद्गुण उन्होंने अपने परिवार में भी बांटे। इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री दिनेश जी, सुपौत्र श्री मोहन जी, कनक जी, दिव्य जी, सभी श्वेतांबर जैन युवक मंडल के अग्रणी सदस्य हैं एवं इनके अनुज सुपुत्र श्री दिनेश जी वो श्वेतांबर जैन युवक मंडल के चेयरमैन पद पर आसीन है और निश्चित रूप से अपनी सेवाएं समाज को मंडल को दे रहे। वैसे तो ये परिवार पूर्ण रूप से लगभग सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो मैं जब अभी बैठे हुआ था तो मुझे अलग अलग संस्थाओं से जैसे जैन विरल परिवार के अध्यक्ष श्री पुनीत जी, महामंत्री राजीव जी चौधरी, फिर श्री पांडु जैन लोक मंडल के अध्यक्ष श्री पुनीत श्री क्रांति जी एवं महामंत्री संजय जी, सभी के मुंह आ रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि अवश्य रखें क्योंकि ये परिवार धार्मिक एवं सामाजिक परिवार है।
मैं अपनी ओर से, हमारे सभी पांचों मित्रों की ओर से, संजय जी, डॉक्टर नितिन सर जी और साथ ही साथ दिनेश जी के किटी मेंबर्स, उनकी ओर से भी इस दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन रखना। श्वेतांबर जैन युवक मंडल, जैन मिलन एवं श्री महावीर जैन युवक मंडल के नतमस्तक को यही शुभ भावना खाते हैं कि ये भरी आत्मा जल्द से जल्द अपने आत्म कर्मों को क्षय कर अपने अंतिम लक्ष्य महाप्राण मोक्ष की ओर अग्रसर हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल को इतना झटका लग रहा है लेकिन विधि के विधान के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है। ये कहकर ही हमें संतोष करना पड़ता है कि जो आया है उसने जाना है। श्री पलंग जो कि इनसे हमारा दोहरा रिश्ता है, एक तो अंकल अंबाला से है, दूसरा भाबू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अंबाला में हमारे पास भाबू परिवार की जो कि हम इकट्ठे मत्था टेकते हैं सारे परिवार, कोई प्रॉपर जगह नहीं थी तो डैडी जी ने अंकल को फोन किया। अंकल ने उसी टाइम बोला कि प्रेम राज कर लो, जगह ले लो, सब कुछ हो जाएगा। उस जगह लेने में, जगह बनाने में अंकल का इतना बड़ा योगदान है कि मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड में वर्णन नहीं कर सकता। इसके पश्चात मैं ये समझता हूं कि अंकल जितना भी दान दे रहे हैं या देते थे उनके पीछे आंटी जी की बहुत ही प्रेरणा थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम जब भी अंबाला से डैडी जी और अन्य मित्रों के साथ आते तो आंटी जी हमें बैठने से पहले ही बोल देते हैं कि इस पर झंडा है किसी का, नहीं आप हमारा लिख लो। मतलब वो हमें पहले जजमेंट कर लेते थे कि ये इसलिए आए हैं या मतलब हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते थे। मतलब मैं तो कहूंगा सच्ची, वो आंटी जी नहीं, वो एक देवी थी। उसके पश्चात करने के बाद फिर वो सारा परिवार हमारे पास खड़ा हो गया, हमें नाश्ता करवाता था। हम इस परिवार की बहुत सारी एग्जाम्पल अपनी फैमिली में और परिवारों में देते हैं कि इनके इतने अच्छे संस्कार पेरेंट्स ने डाले हुए हैं। इसी तरह से हमारी भाभू परिवार की एक वंशावली है जिसमें हमारा 10 साल 10 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। वो वंशावली भी अंकल ने अपनी ही प्रेस में छपवाई। मतलब हर चीज में इतने डिवोटेड। और उसके साथ साथ अंकल, मैं तो ये कहूंगा अंकल आप बहुत ही किस्मत वाले हो कि आपको देवी रूप की सन्निधि मिली। और उसके साथ साथ दिनेश जी, विनेश जी जैसे पुत्र एवं पुत्र वधु में शालिनी भाभी और शिल्पा जी सभी इतना आदर मान करने वाले हैं। मैं दोनों भाइयों और दोनों भाभियों को यही कहूंगा कि आंटी जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वो कभी भी अंकल को उदास ना होने दें। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, हमारे प्रधान श्री अतुल जी सी ए अम्बाला से जो आए हुए हैं उनकी तरफ से एवं समस्त भाभू परिवार की ओर से आंटी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार को यह गहरा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। परम पवित्र परमात्मा और स्वामी से यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। हम भी इसी कॉलोनी में रह रहे हैं और हमारे दो जैन कॉलोनी में आए हुए थे 12-14 साल के करीब हुए हैं। उस समय दादा श्री महाराज जी हमारे प्रधान बने और मुझे इनके साथ एज ए सेक्रेटरी काम करने का अवसर मिला। ये बिल्कुल ठीक है, जब भी हम इनके घर में जाते थे तो बहन जी पहले पूछते थे नाश्ता लोगे क्या लोगे, तो हम यही कहते थे तो हम तो इस कॉलोनी से ही आए हैं तो अभी घर से ही निकले हैं, नाश्ता करके निकले हैं, नहीं आपसे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जब श्रीपाल जी हमारी जैन कॉलोनी के प्रधान थे
तो इनके साथ मुझे भी कई बार साधु साथियों के साथ दर्शन करने का मौका मिला। चाहे वहाँ पर एक स्थान है, एक मंदिर है, जब भी कोई स्थान पर से साधु साथी भी वहाँ पर आते थे, यहाँ हमें पता लगता था कि वो टांडा में विराजमान है या पठानकोट में है या नंबोदर में है। तो मैं कृपा जी को टेलीफोन करता था कि भाई साहब चलो वहाँ पर महाराज जी को पेंटिंग करने जाना है, तो ये उसी समय कहते थे कि चलो अभी आ जाओ। मतलब कहने का तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं रखते थे कि ये मंदिरवासी साधु साथ भी आ रहे हैं या स्थानवासी आ रहे हैं, और इसके पीछे बिल्कुल सत्य कहा है, पंकज जी ने कहा है, गौरव जी ने कहा है, जो प्रेरणा है वो बहन जी की ही थी। कई बार जिक्र होता था कि आज आप सैर करने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमारी एक सैर पार्टी बनी हुई है, सैर पार्टी भी उसके एक मेंबर है। तो कहते थे आज यार कुछ आश्रम में ये प्रोग्राम था, आज वहाँ पर ये बांटने जाना था, कहीं किताबें बांटने जाना था, कहीं कापियाँ बांटने जाना था। मतलब कहने का कि जैसे जैसे उनको पता लगता था कि उस जगह पर जिस चीज़ की जरूरत है, तो ये मतलब कहने का कि एक मिनट नहीं लगाते थे, अपना काम काज छोड़ के भी जाके ऑफिस में बैठे थे और टेलीफोन आना कि आज वहाँ जाना है, उसी समय चले जाते थे। ये जो पूरी प्रेरणा थी इनके पीछे वो हमारी बहन जी की थी। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो एक सारा परिवार, इतना धर्मनिष्ठ परिवार है, चाहे हमारे वहाँ जैन स्थान में कोई काम हो, जैन मंदिर में कोई काम हो, ये पीछे नहीं हटते थे। मैं और इसके साथ जाना ना कहता हुआ अपने पर नाम श्री सतपाल जी जैन बस्ती वाले, जो कि दो दिन से पार गए हुए थे, परसों से बाहर थे और कल वो आ नहीं सके, तो उन्होंने मेरे को टेलीफोन पर कहा तो भी मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर देना श्रीपाल जी को। तो आज कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं अपने ऐसे जैन सभा के प्रधान श्री सतपाल जी और उसके अधीन जितनी भी संस्थाएँ हैं उनकी तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ शासन देव भगवान महावीर स्वामी जी के प्रार्थना करता हुआ कि हे प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरण में स्थान दे, परिवारजनों को और सभी संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा मान सम्मान इन चारों बहनों ने मुझे दिया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। प्रेम जी की मैरिज भी मेरे उसी घर में होते हुए हुई, जैसा स्वभाव मैंने प्रेम जी का देखा वैसा नहीं। प्रेम जी बहुत ही हृदय, बहुत ही सरल स्वभावी, सबसे मिलनसार, मुंह पे मुस्कुराहट, कभी किसी से कोई गिरा चिंता नहीं, ऐसा इनका स्वभाव था। इनमें धर्म के प्रति भी इनकी भावना बहुत उच्च थी। जब तक ये मंदिर में प्रसाद पूजा पाठ सभी अपना धर्म ध्यान नहीं कर सकते थे, तो ये मूल धर्म का नहीं प्राप्त ध्यान रहा। तो सभी प्रकार के क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र का, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का, चाहे वो सेवा भावी योजना, सभी क्षेत्रों में इनकी बहुत ही देर है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो कोई बहुत बोलना पसंद नहीं आया, मैं तो प्रेम जी के स्वभाव से बहुत ही पसंद हूँ। तो मैं आज बहुत कुछ न कहता हुआ यही कहूँगा कि आज मैंने प्रेम जी को अपने सारे परिवार, विक्रम दास जो मेरे नाम उस परिवार से मैं सबको, सबसे उस परिवार से मैं उनको प्रेरणा करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस महान आत्मा को जो है तो हमारे पर अकसर
क्योंकि मुंह तुम्हारा एक ऐसा मार्ग है जब इंसान मुंह मार पार कर सो जाता है तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रेम भी जो है अब जन्म मरण के बंधन से छूट कर करके प्रभु चरण में जाए। तो इसलिए हे प्रभु आप प्रेम जी को मुंह को मार मार अग्रसर करें और बाकी सभी परिवार के सदस्यों को घर वालों को जो है इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इनके न्याय को इनके योग को जो है वो सहन कर सकें। ओम शांति शांति। श्रीमती प्रेम जी एक धार्मिक दुष्ट महिला थी। अपना समस्त जीवन काल उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए समाज के धार्मिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ हिस्सा लेती थी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो वो मिस नहीं करती थी। मंदिर जाना, पूजा करना और नित्य सहाय करना ये उनकी दिनचर्या थी। अपने जीवन काल में उन्होंने कई धार्मिक यात्राएं की। श्री श्रीपाल जी श्री विजय चैरिटेबल ट्रस्ट के बतौर वर्ष की अपनी सेवाएं जब से ट्रस्ट सन 2002 में गुरुदेव के काल धर्म से बना है तभी से ट्रस्ट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है ये माला में ये मंदिर विश्व में सर्वप्रथम बनने जा रहा है जो कि 108 पूर्वाचार्यों की मूर्तियां वहाँ स्थापित होंगी। उसमें ये श्री बाजी बढ़ चढ़ अपना निगरानी वाले मंदिर लाया निर्माण में जो भी मीटिंग होती है उसमें जनता से स्पेशली करके आते हैं। उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी ये विजय जी चैरिटेबल ट्रस्ट को समय समय पर महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। ऐसे ही श्री राजपाल जी प्रदीप जी वो भी इस ट्रस्ट से सन 2002 से जुड़े हुए हैं और बतौर पौष्टिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सन 2002 में मुख्य शिला और शिला का नाम भी बहुराजी राजपाल जी ने लिया और आज भी वो समय समय पर महत्वपूर्ण योगदान इस ट्रस्ट को दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने इस ट्रस्ट में विजय नागरश्री महाराज का जो स्मृति मंदिर बना है उसका सब पूर्ण लाभ भी इसी व्यवहार श्री राजपाल जी प्रदीप जी ने लिया है। और अभी ये इतना महत्वपूर्ण योगदान जिसका भी आप आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी इस परिवार ने इस ट्रस्ट को दिया है। आज मैं परम प्रसाद परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। हमारे समुदाय के वर्तमान प्रधानाधिपति शुद्ध भाषा जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धर्मेश्वर जी महाराज साहेब थाना 5 जो कि रूप नगर दिल्ली में चादर मास के लिए उपस्थित हैं विराजमान हैं उनकी ओर से परिवार को उनके हाथों से लिखा हुआ शोक प्राप्त हुआ है और परिवार के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में साहिब जी ने शुक्ल ध्यान में रहने के लिए इनको संबोधन किया है इनको उद्बोधन किया है। गुरुदेव का आशीर्वाद परिवार को प्राप्त हुआ है और इसके साथ साथ मुंबई में विराजमान आचार्य श्री विद्युत रत्न जी उपाध्याय श्री योगेंद्र जी थाना 11 से उनका भी शोक संदेश परिवार के लिए आया है और उन्होंने परिवार को धर्म ध्यान में लीन देकर माता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उद्बोधित किया है। और जहां जहां श्री संघ में विराजमान साधी कमल प्रभा स्वामी जी थाना 3 उनकी ओर से भी शोक संदेश जो कि है हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने भी इस संसार के प्रसार को परिवार को उद्बोधित किया है कि इस संसार के असार की ओर ध्यान ना दें और धर्म ध्यान में रूढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ मौन साधी का साधी सुलक्षण श्री जी महाराज साहेब थाना 6 उनकी ओर से भी परिवार के लिए बहुत ही मार्मिक संदेश प्राप्त हुआ है और उनकी जो शब्दों की गरिमा है वो निश्चित रूप से बहुत ही देखते बनती है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में चातुर्मास हेतु विराजमान मुनि पीयूष मुनि जी महाराज साहेब थाना 3 उन्होंने भी परिवार के लिए बहुत ही शब्दों का ऐसा उल्लेख किया मैं बड़े आराम से पढ़ रहा था तो बहुत ही सुंदर उन्होंने परिवार को संबोधन दिया है।
पाली तारा में विराजमान साथी जी शिष्या महाराज साहब की सुशिष्या साथी रमिष्ठा श्री महाराज साहब ने भी परिवार के साथ अपने संवेदना संदेश भेजे हैं। इसके साथ साथ विभिन्न धार्मिक संस्थाओं जिसमें कि श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से, श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना की ओर से, विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत लुधियाना की ओर से, श्री विजय इंद्रदीन चैरिटेबल ट्रस्ट अम्बाला अध्यक्ष श्री अतुल जी की ओर से, श्री इंद्र मानभद्र वीर जी सेवा ट्रस्ट अम्बाला शहर अध्यक्ष श्री नीरज जी जैन उनकी ओर से, माता श्री चक्रेश्वरी देवी जैन नीरज प्रबंधक कमेटी जैन के वित्त सचिव हमारे आदरणीय श्री अश्विनी जी जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी ओर से भी संवेदना संदेश प्राप्त हुआ है। श्री जैन भाबू परिवार संघ धनौलिया अम्बाला शहर उनके महामंत्री उनकी ओर से भी ये संदेश आया है। श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी जालंधर अध्यक्ष राहुल जी, महामंत्री मुस्कान जी, जैन कॉलोनी उपासना सोसाइटी अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी जैन, महामंत्री श्री पुनीत जी जैन उनकी ओर से भी परिवार के प्रति संवेदना रखी गई है। श्री बाबा गजर जी जैन सोसाइटी अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी श्री करण जी जैन लोहे वाले उनकी तरफ से भी परिवार के प्रति अपने सुंदर भाव रखे गए हैं। श्री महावीर जैन नवयुवक संघ जालंधर अध्यक्ष श्री अमित जी और महामंत्री श्री रेवंत जी जैन उनकी ओर से, स्वामी नारायण मंदिर प्रतिष्ठान उनकी ओर से भी यहाँ भाग्यशाली उपस्थित हैं। उन्होंने भी परिवार के प्रति शोक संदेश अपना हमें दिया है। श्री शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट जालंधर गुलाब देवी रोड जालंधर जिसके की अध्यक्ष रवि मेहंद्रू जी हैं, महामंत्री राजकुमार सिंह जी हैं उनकी तरफ से भी शोक संदेश। सहारा सेवा समिति जालंधर जिसके अध्यक्ष श्री हरबंस लाल गुलेजा जी, श्री कमल जैन जी चीफ ऑर्गेनाइजर उनकी ओर से, पंजाब केसरी ग्रुप श्री विजय कुमार चोपड़ा जी की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। एमबीडी ग्रुप जिसके की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री बलवंत शर्मा जी उनकी तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। मैं परिवार की ओर से इन सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस शोकाकुल घड़ी में परिवार को ठंडस बढ़ाने के लिए अपना शोक संदेश यहाँ उपस्थिति रखी है। अब मैं आग्रह करूँगा परिवार के दो युवा बच्चे हमारे आदरणीय श्री श्रीपाल जी के पौत्र कनक जी और दिव्य जी वो अपनी दादी माँ के लिए यहाँ दो शब्द कहने चाहते हैं। कनक जी दिव्य जी, सबसे पहले मैं तीन चीजों के ऊपर बोलूंगा। नंबर वन इज प्रेम, सेकंड इज धर्म एंड थर्ड इज दान। तो मतलब प्रेम जैसे जो उनका नाम था वो ही उनका नेचर था, प्रेम जैन। मतलब अगर हम बच्चों को सबसे ज्यादा किसने प्यार दिया तो हमारे दादी है। बच्चों को घर पे वर्कर्स को किसी को भी प्यार की कभी कभी महसूस नहीं होती थी। यहाँ तक कि हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जो भी हाउस हेल्प सब आते थे, दादी माँ सबको इक्वली प्यार करते थे। सेकेंड हो गया उनका धर्म। मतलब दादी माँ हमारे इतने धार्मिक इंसान थे, अगर हम मतलब उनके जितना 5 या 10% धर्म के कर लें तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मतलब शुरू से बचपन से उन्होंने बच्चों को कहना कि आपने पूजा करनी है, दर्शन करके आने हैं मंदिर में और पूजा रोकना। मतलब हमारा एक रूटीन फिक्स करके रखा था और उनके अब जाने के बाद हम वो आगे कैरी फॉरवर्ड करके रखे हैं। थर्ड उनका मैं बोलना चाहूँगा दान के बारे में। मतलब बचपन से लेकर वो सभी बच्चों को अपने साथ गौशाला, पोस्ट आश्रम, पिंगलगढ़ तीनों जगह हम बच्चों को लेके जाते थे कि ताकि हम बचपन से ही वो सारी जो चीज़ें हमारे अंदर इम्बाई बढ़े कि जो उनके ट्रेड्स हैं वो आगे आने की जनरेशन में भी रहे। देखो इंसान सब चीज़ें कर लेता है बट एक मतलब अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाना वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अब जो उनके ट्रेड्स एंड ऑल थे वो हम आगे आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर हमें सबसे ज़्यादा प्यार दिया तो हमारे दादी माँ ने दिया। धन्यवाद।
चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आवारी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम उस वक्त कहां थे हम कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम ये रस्ते घर गलियां है दिल तुम कर न सके सलाम। जल्दी से छुड़ा कर हार है दिल में रह गई बात जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में छुपते हैं ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा हम कैसे करे इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए। जिस राह पे दादी हम चले हैं हम उस राह पे चल के उनका नाम रोशन करेंगे। विल मिस यू दादी मां। हमारे जन्म से बहुत सारे परिवार वहाँ गए हुए हैं। अभी अभी मेरे को आदि श्री कमल जैन का फोन आया है जो कि श्री महावीर जैन आराधना केंद्र जो हमारे के अध्यक्ष हैं वो समय रहते यहाँ नहीं पहुँच पा रहे इसके लिए वो परिवार से क्षमा चाहते हैं और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। श्री जैन खंडेलवाल संघ अध्यक्ष श्री अश्विनी जी उनके महामंत्री श्री नरेश जी यहाँ उपस्थित हैं उनकी ओर से भी परिवार के प्रति संवेदना की जा रही है। श्री एस एस जैन कॉन्फ्रेंस जिसके मार्गदर्शक श्री सुनील जी यहाँ उपस्थित हैं और परिवार के साथ बहुत इनका गहरा संबंध है उनकी ओर से भी और उनके कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पंकज जी की ओर से भी परिवार के साथ संवेदना प्रकट की जा रही है। मैं पुनः क्षमा चाह रहा हूँ क्योंकि घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है बहुत सारे वक्ताओं को मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मानव सहयोग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी रमेश जी जिनका यहाँ उपस्थित हैं उनकी ओर से भी परिवार के लिए शोक संदेश प्राप्त हुआ है। अब मैं आग्रह करूँगा बेटे मोहन से कि वो भी अपनी दादी के लिए अपने भाव रखें। बेटा मोहन इस परिवार की सबसे बड़ी वैल्यू है। उन्होंने इतनी तपस्या की होगी कि आज स्टेज पे ये परिवार है जो भी इस परिवार ने कमाया है उन्हीं के पुण्य से कमाया है। और हमारे दादाजी श्री श्री पॉल जैन जी की फैमिली है। मेरी दादी मैं सबसे छोटा था परिवार अभी भी हूँ सबसे छोटा तो मैं सबसे ज़्यादा लड़ता था अपनी दादी माँ से और चाहे जितना भी लड़ लेता था उन्हीं के पास जाके बैठता था उन्हीं के पास जाके रोटी खाता था उन्हीं के साथ टीवी देखता था। और फिर हर रोज चाहे जितना भी लड़ उनका प्यार बना ही रहता था चाहे अपने एक महीने बाद मिले आप चाहे एक दिन
प्यार करता था, उनका दिल इतना साफ था कि इंसान के जितने भी पाप हो भी धुल जाए उसका। I miss you forever darling। उनके साथ जो बॉन्ड है वो मैं कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाऊंगा। मेरे दादी माँ मेरे क्यों मोटिवेटर थे, कहीं भी जाना किसी फंक्शन में ख्याल आपके जाती थी ना तो शायद मैं कॉन्फिडेंटली फील करती थी। दादी माँ ने एक लुक दे के कहते ना हाँ आंखों से इशारा करता था कि नहीं, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता था ना क्या होगा। दादी माँ जी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। वो इतने हर सिचुएशन में वो काम कंपोज, मतलब गुस्सा नहीं कर रहा कभी, हमेशा प्यार दिखाना हमेशा। मैंने शायद किसी को ऐसे देखा हो कि किसी भी सिचुएशन में आप अपना आपा ना खो, किसी भी सिचुएशन में मैंने नहीं देखा कभी उन्हें। वो हमेशा हमेशा अपना हमेशा काम देते थे और हमें भी यही सिखाते थे हमें, और भगवान जी पे तो उनको अटूट विश्वास है, विश्वास था। दादी माँ जी मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, उनके प्रिंसिपल्स उनकी वैल्यूज हमारे साथ हमेशा रहेंगे और इस तरह वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। I love you दादी माँ जी, I love you Lord। अपनी दादी माँ के लिए ये चंदा के नाम से जानी जाती है, दादी माँ की स्मृति को चंदा कह के बुलाते थे। और मैं कल देख रहा था लगभग 80% पब्लिक संस्कार के समय वहां जा चुकी थी, लेकिन ये मीडिया आपकी दादी माँ को आपकी लंगों में समाधिस्थ ये जो निभा रही थी, जो इसके चेहरे से भाव थे, उसके लिए इस सृष्टि में शायद कोई शब्द नहीं। जैसे कि आप सभी अब तक बहुत अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि परिवार का सामाजिक धार्मिक व्यवहारिक रूप से कितना गुड़ रिश्ता है और अपने पारिवारिक नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए इस शोकाकुल घड़ी में भी परिवार ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के लिए दान राशि का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उन संस्थाओं के नाम पढ़ रहा हूँ, जो भी इन संस्थाओं से संबंधित कोई भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हो तो वो कृपया यहाँ से ये नाम राशि लेके जावे। मैं आपके समक्ष इन संस्थाओं के नाम रखना चाह रहा हूँ। श्री गौड़ी पाठा जैन मंदिर जालंधर, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर जालंधर, श्री धर्मनाथ जैन मंदिर जालंधर, श्री श्रेयासनाथ जैन मंदिर मंडी पेंटनगंज जालंधर, श्री कांगड़ा जी तीरथ फोटो के लिए, श्री हसनापुर जी तीरथ फोटो के लिए यहाँ उल्लेख कर दूँ। ये जो फोटो का नक्शा दिया है ये आंटी जी के साथ साथ अंकल जी की फोटो भी वहाँ लगेगी। कल रात ही ये निर्णय लिया अंकल जी के भाव थे कि जिंदगी साथ निभाई है तो आगे फोटो में भी साथ निभाएंगे। ये एक ऐसा प्रश्न आचरण था जो इन्होंने हमारे लिए माइल स्टोन दिया है, निश्चित रूप से यह अनमोलनीय है। श्री दुख बंधन पार्श्वनाथ प्राची तीरथ बैरोवाल, श्री शंकेश्वर जी तीरथ शंकेश्वर गुजरात, श्री सिद्धाचल जी तीरथ पालिकाना गुजरात,
श्री नगौड़ा जी तीरथ राजस्थान, श्री भूमिया जी तीरथ, श्री आत्मबल्लभ श्रमो पास्तक गुरुकुल ट्रस्ट लुधियाना, माता श्री चंद्रेश्वरी देवी जैन तीरथ फोटो के लिए सरहंद, गुरु आत्म जन्मस्थली लहराबोधी, गुरु बंधन स्मारक दिल्ली, गुरु इंद्रदेव समाधि धाम अम्बाला फोटो के लिए श्री रत्नाकर सूरी समाधि मंदिर वलसाड गुजरात, जैन उपाश्रय मीठा बाजार जालंधर, एसएस जैन सभा जालंधर, श्री बाबा गज्जा जी कमेटी जालंधर, श्री महावीर भवन निर्माण समिति जालंधर, जैन कॉलोनी उपाश्रय सोसाइटी जालंधर, गौशाला पिंजरापुर, पिंगला घर अपाहजाश्रम कुष्ठ आश्रम, पत्रिका नव्य निर्माता लुधियाना, पत्रिका विजयनम लुधियाना, भोलापुर भारू परिवार समाधि स्थल अम्बाला, पक्षी विहार शाखा, श्री घंटाग्रह मंदिर श्रमाल, अजय जैन चैरिटेबल ट्रस्ट पक्षी विहार जलंधर, श्रमण संघ व्यापार समिति लुधियाना, श्री आत्म बल्लभ श्राविका संघ जलंधर, जैन पार्षद मंडल जलंधर, वीर मंडल उपासिका मंडल, शब्दांबर जैन युवक मंडल जलंधर, श्री आत्म बल्लभ महिला मंडल जलंधर, जैन आदर्श तरुणी मंडल, श्री धर्मनाथ युवक मंडल, श्री महावीर जैन युवक मंडल, श्री महावीर जैन नवयुवक संघ, श्री विजय बल्लभ जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, शिव शक्ति मंदिर रोज पारस जलंधर, इसके अतिरिक्त सभी मंदिरों के पुजारी और कुछ सनातन मंदिरों के पुजारियों के लिए भी दान दे राशि निकाली है। मैं अपना आग्रह करूंगा जो भी इन संस्थाओं के उपस्थित जन यहाँ हो तो कृपया अपनी ये दान राशि हमारे से लेके जाएं। ये सभी के सभी दान राशि यहाँ आपके लिए उपलब्ध है। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती प्रेम जी जैन के भाई, श्री आत्मा जैन सभा जलंधर के अध्यक्ष, लेकिन भाई नहीं यहाँ बेटा कहूँगा, क्योंकि प्रदीप जी का कहना है कि ये मेरी बहन नहीं मेरी माँ थी। आज वो अपनी बहन के लिए अपने भाव यहाँ रखना चाहते हैं। आदि श्री प्रदीप जी, आज मैं निशब्द जैसे पंडित ने कहा, कहने को तो मेरी बड़ी बहन थी, मेरे लिए वो माँ समझी। जो मंत्र मुझे अपनी माँ समझे उसी मंत्र से उन्होंने मेरा करण पोषण भी किया। उनके जाने से जो दरबार में तो व्यक्ति वही हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मुझे आभार लगा है, शायद मैं दाम पर सफल नहीं पाऊंगा। जिस धार्मिक व्यक्ति की वो थी, मुझे पूर्ण विश्वास है उन्हें प्रभु के इधर में जगह मिली है, और मैं आशा करता हूँ वहाँ से भी मुझ पर और परिवार पर अपना शुक्र करें। ओम शांति। लोकसभा में प्रस्तुत बंधु, परसों सुबह हमारी माँ से चली गई। मासी माँ जैसी, लेकिन माँ जैसी नहीं थी, माँ ही थी। हम सब भाइयों की चार माने एक कम बोल, क्योंकि जो प्यार हमें अपनी माँ से मिला वो इस बड़ी माँ से कोई प्यार कम नहीं मिला। जो करुणा वात्सल्य और ममता हमें अपनी माँ से मिली, वही ममता हमें इस माँ से नहीं मिली। जो धर्म के प्रति श्रद्धा हमने अपनी माँ में देखी, हमने उसी माँ में देखी। मैं मानता हूं ये बीज जो बोया गया हमारी नानी माँ श्रीमती गुरमाला जैन, सब उनकी देन है। इस मासी ने तो अपना जीवन धन्य किया, सबने जाना बहुत धर्म परायण थी, बहुत थी। सारा जीवन जब तक तप में निकाला,
इस परिवार ने भगवान शांतिनाथ मंदिर का, इस परिवार ने और मेरे नाना जी के परिवार ने निर्माण किया। तो अगर मंदिर का निर्माण परिवार ने किया तो मैं ये पक्के तौर पर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर इस मंदिर के निर्माण का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ वासी ने किया। भगवान शांतिनाथ की आरती में एक लाइन आती है, मंगल आरती और कीजिए जन्म जन्म का लाभ। तो जन्म जन्म का लाभ हमारी मासी ने दिया। सारा दिन सुबह से अगर दरिया शुरू होती थी, सुबह 4 बजे उठ के स्नान करी, फिर मंदिर में जाके पहला प्रसाद करी, पूजा और आरती, शाम की आरती, दोपहर 1:30 बजे तक समाई और मंदिर ही चलते रहते थे। 1:30 बजे में पानी की बूंद ग्रहण कर ली तो बड़ी बात है, अगर प्रार्थना यज्ञ ना हो। दोपहर को खाने के बाद अगर सोती थी, कभी कंबल रजाई बिना दोबारा नहीं करता था कि मुझे बुरी नींद पै गई कि मैं शाम को उठ नहीं सकती, फिर मैं जा पाता समाई कर। नींद का ध्यान नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, किसी और चीज का ध्यान नहीं, बस परमात्मा में अपनी आत्मा को लगाया था, बस यही उनका था। आदम ने उनकी आती है जिन मन में अनु रखता, जिन मन में देख कर रखी भावे मन, अमला का संत लिखा ते उनकी वृत्त संतान। जो जिन वचनों में श्रद्धा रखता है, जिन वचनों के केवली प्रणीत धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करता है, अमला असंत रेखा सब प्रकार के क्लेशों का सर्वनाश करते हुए से उनकी परित संसारी संसार सागर को पार कर जाता है। संसार सागर को तो पार अभी नहीं किया, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूँ अपने अनंत जन्मों का अतिक्रमण इस भव में उन्होंने किया। एक जन्म सार्थक करने से अनंत जन्मों अपने सुधार दिए, और जो बीजारोपण धर्म का करके गए आने वाली पीढ़ियों तक ये चलता रहेगा, ये मेरा मानना है। कई यात्राएं मैंने इनके साथ की, जब मेरी यात्रा का प्रोग्राम होता था माता जी को फोन करता था और ये कहते थे तू कभी भी यात्रा जाने की नीति कर तू बिना पूछे ही खाले पर ले गया और मासी। और जब भी कभी यात्रा जाना है, चाहे पाली वाले जाना है या सिद्धाचल जाना है, रूट के दो बड़े बड़े कार्टून जो उधर मंदिर में चलाते हैं इधर से ही लेकर जाते थे, तो मैं कहता था कि लगे ज्यादा हो गया है मासी जी, इतना जाग हो गए, कोई गल नहीं अपना लगे चढ़ते हुए मेरे जरूर जाए। जहाँ से एक इतना ज्यादा रूट उधर चढ़ाने के लिए, रूट की बात नहीं भावना की बात कर रहा, ये भावना देखिए और कुछ जाए ना जाए मेरे ग्रहों की सेवा के लिए मैं अर्पण करना चाहती हूँ वो जरूर जाए। तन मन और धन से इस श्रालिका ने प्रभु की भक्ति की है, प्रभु की सेवा की है। माँ माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं होता, माँ घर में है तो आंगन का रहता है, माँ घर में है तो हर रिश्ते की पहचान है, माँ घर में नहीं तो हर रिश्ते की मायने बदल जाते हैं। माँ वो व्यक्ति है, अगर घर में माँ है कोई विकटतम से विकटतम परिस्थिति भी आ जाए, कोई विपत्ति भी आ जाए, तो माँ ही एक ऐसा इंसान है जो कहती है बेटा कोई गल नहीं, गुरु महाराज का भरोसा रखा सब ठीक हो जाए। वो शब्द माँ के बच्चों के लिए सबक होते और कह समझता हूँ कि आज वो भविष्य में रुक हो
आए हुए कितने भी सदस्य हैं, चाहे वो संस्था रूप से आए हैं चाहे वो व्यक्तिगत रूप से आए हैं, सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप आए हमारी दुख की घड़ी में हमारा दुख कटाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चाहे भाभी शादी जी की बात करो या भाभी शिल्पा जी की बात करो, कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दिया और पूरी दिलो जान से उन्होंने सेवा की। जब एक से बात बोलते हैं तो यही कहते हैं कि हमने अपने जीवन को सार्थक किया इस माँ के आंचल में, हमने जिंदगी की सारी सच्चाइयाँ सीखी इस माँ के आंचल में, और धर्म की तरह पे चलना सिखाया इस माँ के आंचल में। तो ये दोनों बहुओं की ओर से अपनी माँ के चरणों में खूब खूब श्रद्धा भावांजलि, क्योंकि माँ को माँ है, माँ के बिना घर या संसार का सब सुना है। मैं इस सभी शोक संदेशों की श्रृंखला को और विभिन्न वक्ताओं को यहाँ पे विराम देते हुए अब प्रसन्न पगड़ी के लिए आग्रह करूँगा कि हमारे श्री आत्मा जैन महासभ के अध्यक्ष श्री जलंधर के सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री अजेंद्र जी जैन महानी, जो कि लुधियाना से यहाँ उपस्थित हैं, परिवार के सदस्य भी हैं वो, और इसके साथ साथ हमारी श्री आत्मानंद जैन सभा जलंधर के उपाध्यक्ष श्री नरेश जी, कृपया आप आगे आए और रस्म पगड़ी की जो है प्रक्रिया उसको पूर्ण करें। बाहर से पधारे सभी परिजनों, सभी संबंधियों, मित्रों से आग्रह है, परिवार की ओर से आपके लिए भोजन की व्यवस्था इस हॉल के साथ संलग्न भोजन हॉल में आपके लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कृपया परिवार के आग्रह को स्वीकार करके भोजन ग्रहण करके जाएं। बाहर से बधाई सभी माननीय परिजन, संबंधीगण, मित्रगण, कृपया परिवार के आग्रह को स्वीकार कर भोजन कर सकें, भोजन ग्रहण करके जाए। Thank you.
Thank you.